ये हमारा किचन है गाइस, यहाँ पे चल रहा है हीटर और ये मैं चाय बना रहा हूँ। व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मुझे पता है यू गाइस आर थिंकिंग कि ये सुबह सुबह व्लॉग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बट रुको अभी बताता हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी लोकेशन कैसे चेंज हो गई, सो बताता हूँ। रुको, जरा सबर करो। तो जो मेरी वीडियोस को पहले से देखते हैं, मैंने बताया था कि मैं हॉस्टल में होता हूँ। सो ये मेरा जो है रूम है जहाँ मैं सोया था अभी, वो वहाँ पे ना कुक सोता है, तो कुक गया है घर। मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ बिस्तर डाला और सोया। तो आज रात से ना थोड़ा पेट में मुझे गड़बड़ लग रही थी, तो अब उठ गया हूँ 10 बजे। रुको रुको, वायरस नहीं है। तो अब उठ गया हूँ 10 बजे, सोचा कि चाय पी लूँ उसके बाद। वैसे व्लॉग आज यही होने वाला है कि व्हाट इज़ माय डेली रूटीन इन हॉस्टल। व्लॉग का टॉपिक यही है, एंड तक देखिएगा। देखो मेरा ना रूटीन सिंपल है, सुबह उठकर मुंह हाथ धोकर उसके बाद चाय और रोटी लाकर, चाय मैं नून चाय ही पीता हूँ अक्सर, कश्मीर में नून चाय ही पीते हैं सुबह, तो 1 कप चाय और 1 रोटी। उसके बाद अगर सब्जी बनानी हो देन सब्जी बनाता हूँ। तो उसके बाद खाना, वैसे मैं दिन में खाता नहीं हूँ लेकिन कभी कभी जब बनाना पड़ता है सो बना लेता हूँ। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतने समय से कहाँ था, रुको, जरा सबर करो। बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं वैसा नहीं हूँ कि मेरे दोस्त हैं या मैं बाकी लोगों से मिलता जुलता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। देखो एक व्लॉगर की लाइफ में क्या होना चाहिए ना, कि दोस्त भी होने चाहिए, वो भी वो दोस्त जो कैमरा के सामने शर्माए ना। हाँ मैं अब अगर अपनी बात करूँ तो मेरा वैसा कोई दोस्त नहीं है। तो होता क्या है ना कि इंसान कश्मीर में, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जो भी कश्मीर का व्लॉगर है उनको पता होगा, कश्मीर में ना जो कंटेंट होता है व्लॉग का वो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ यही भी बोलूँगा। देखो यहाँ खाली जगहें होती हैं, मतलब कि कुछ प्लेसेस होती है जो कि टूरिज्म के अंदर होती है, यानी कि जो टूरिस्ट यहाँ टूरिस्ट जाते हैं। सो जब लोग वहाँ जाते हैं तभी व्लॉग कवर कर पाते हैं, लेकिन मैं अगर बात करूँ कश्मीर की तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई डेली व्लॉग कर सकता है। क्योंकि देखो होता है क्या है ना कि जब बाहर दिल्ली में या उससे बाहर इंसान रहता है तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा अलग है। इसे देखो वहाँ पे मार्केट होती है, एवरीथिंग। मैं अगर कश्मीर की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता उस हिसाब से यहाँ कोई डेली व्लॉग कर पाएगा। जो भी कश्मीर का व्लॉगर देख रहा है इस वीडियो को, मुझे कमेंट करके बताओ कि ये बात सच है या मैं बस फेक ही रहा हूँ। वैसे फेक तो नहीं रहा हूँ, मुझे पता है। सो हाँ, दैट इज़ वाई कि व्लॉग नहीं आ पाता है। और दूसरी बात, मेरे पास अभी कैमरा नहीं है, फ़ोन है, इसका बैक कैमरा टूट गया है। ये भी मेरे लिए आज चैलेंज है कि मैं फ्रंट कैमरा से सारा व्लॉग कैसे कवर कर पाऊंगा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। ठीक है, तो बाकी यही बताना था यार, बाकी थोड़ा पेट में पहले ही बताया था कि गड़बड़ लग रही थी। सो अभी दवा ववा खाई नहीं, थोड़ा ठीक हुआ, बट अगर नहीं हुआ सो देन मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, सिंपल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो मुंह धो लिया, देन अब जा रहा हूँ रोटी लाने के लिए, उसके बाद आऊँगा बनाऊँगा चाय, वो भी दिखाऊँगा, पहले रोटी लाने दो। A few moments later. अब लाई मैंने रोटियाँ, ये रही। इतनी सारी क्यों है? बिकॉज ऑफ की शाम के लिए कोई लाने के लिए जाता नहीं बाजार। अब ला के रखी मैंने, क्योंकि एक ही बंदा हूँ जो मेरा कुक है वो गया है आज घर। अब बनाऊंगा चाय। चाय मैंने हीटर पे लगा दी, अब थोड़ा आपको टूर देता हूँ। तो यहाँ पे ये है हमारा किचन,
अबे करना तो नहीं चाहता था बट मजबूर हो रहा हूँ। ये हमारा किचन है गाइस, यहाँ पे चल रहा है हीटर और ये मैं चाय बना रहा हूँ। एनीवेज सो ये हमारा किचन, यहाँ पे आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ जहाँ पे कुक होता है। तो ये है दूसरा जो कि हमारा मेन डाइनिंग रूम था, बट अब कहना कि हॉस्टल में उतने स्टूडेंट्स नहीं है, बस मैं एक हूँ। सो अब आ गया है कुक यहाँ पे, उसी की जगह है। पहले यहीं पे खाना पीना वगैरह करते थे बट अब होता नहीं, जब हमारे से स्कूल स्टार्ट होगा देन होगा। सो पहले मैं चाय एंजॉय कर लेता हूँ, तब तक आप वीडियो एंजॉय कीजिए। परसों से अगर बात की जाए तो कश्मीर में वेदर अच्छा प्लेजेंट रहा, बट आज थोड़ा क्लाउडी है जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी एक बात कहूँ यार, खुले में जो चाय पीने का मज़ा है वो कहीं नहीं। आज मैंने ये कहना कि इमेजिन किया कि खुले में चाय पीने से ज़्यादा मज़ा कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं है। 20 minutes later सो चाय की है मैंने अब ख़त्म, इनको पहले धो लेता हूँ। बाकी जो मेरा दिन का रूटीन है वो यार आज तो बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि आज तो ना तो कपड़े धोने हैं मुझे और ना ही खाना बनाना है, बिकॉज क्योंकि दिन में दोपहर में खाता नहीं। बाकी सब्जी बनी हुई है वो भी दिखाता हूँ पहले। तो ये है सब्जी, देख सकते हो यार, क्या करूँ कैमरा ख़राब है सो थोड़ा मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो सब्जी भी बनी पड़ी है, अब चाय पी मैंने, इसके बाद एक काम मुझे करना है जो कि मैं आपको बताऊंगा बैठ के। सो अब मुझे काम ये करना है कि जो हमारा दूध होता है जिससे हम चाय बना पाते हैं, हम यूज़ करते हैं पाउडर मिल्क, जो कि पाउडर मिल्क आती है हम यूज़ करते हैं वही। सो आज हो गया है दूध ख़त्म, अब बनाना है मुझे दूध। तो अब दूध बर्तन में डाल के, ये मैंने 2 कप इसमें डाल दिया। अब इसमें डालने के बाद मैं डालूंगा गर्म पानी। अब गर्म पानी क्यों डालूंगा, क्योंकि उससे आसानी होगी ये जो पाउडर है इसको मेल्ट करने में। तो अब डालूंगा इसमें गर्म पानी, जितना यहाँ तक आ जाए उसको उबाल लाऊंगा, उसके बाद ही तैयार होगा। सो अब मैं इसको थोड़े देर के लिए उबाल के लिए रखता हूँ, जब उबाल आएगा तो हमारा दूध बन गया। A few moments later. So, अब दूध आ चुका है तैयार, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ। So, दूध तैयार होने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि अब कौन सा काम करूँ। देखो वैसे तो आज ही क्या, ये डेली रूटीन है मेरा, वैसे तो कोई काम नहीं है अब। सो टाइम घड़ी साथ नहीं है, छोड़ो फोन से ही देखता हूँ। सो टाइम आ चुका है 12:12, तो अब मैं वेट कर रहा हूँ 1 बजने का। 1 बज के मैं चाय पीता हूँ, सो लिप्टन चाय, दोपहर में हम लिप्टन चाय ही पीते हैं अक्सर। तो अब वेट कर रहा हूँ 1 बजने का, 1 बज के फिर मिलता हूँ। रुको 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 जरा सबर करो। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे यार कर क्या रहा है ये, लेकिन एक बात बताऊं, मेरे पास तो कंटेंट ही नहीं है। अब मैं डेली रूटीन का कंटेंट बना रहा हूँ, ये व्लॉग जो होने वाला है ये होने वाला है 24 घंटे का। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी वैसे मजाक कर रहा हूँ, 24 घंटे का नहीं होने वाला है, बट हाँ डेली रूटीन का व्लॉग बनने वाला है आज। अब ये कितने टाइम का होगा आई डोंट नो अबाउट दैट। वैसे अब धूप भी निकल गई है, तो मैं ना जब धूप निकलती है तो मैं 1-2 घंटे ऐसे ही बैठता हूँ, क्या है कि धूप सेकता हूँ, देन उसके बाद वेट करता हूँ चाय पीने का। उसके बाद जब लिप्टन चाय हो जाती है उसके बाद वेट करता हूँ नून चाय पीने का। वैसे देखो समझाता हूँ अच्छी तरह से, क्या होता है ना कि एक तन्हा इंसान जो अकेले हो उसको तो कोई काम होता नहीं। अब सोच रहे होंगे कि यार बाहर जाया कर, लेकिन
बाहर इंसान तभी जाएगा जब कोई काम हो, ठीक है, चलो काम भी नहीं है। अब बोलोगी कि घूमने जाओ, देखो अकेले घूमने में कोई मज़ा नहीं है, हो गई ये बात। दूसरी बात, स्कूल में कोई होता नहीं है, आज कुक भी घर गया है तो स्कूल में जो नज़र रखने के लिए कोई नहीं है। तो अगर मैं बाहर गया, ताला लगाया और स्कूल में कोई आया, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैं यहीं बैठता हूँ, जब कभी टाइम आता है तो मैं बाहर घूमने के लिए निकलता हूँ, वो भी 1-2 किलोमीटर तक बस, और कहीं नहीं, क्योंकि तन्हा इंसान हूँ। बाकी ज़्यादा यार इमोशनल मत करो। सो फिलहाल तो थोड़ा सा धूप निकल गई है, अब मैं धूप से, अबे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत समय के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, सो कुछ होता है। तो अब मैं धूप सेक रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, अबे यार हद है, धूप की बात की और चला गया, कोई नहीं सहलेंगे थोड़ा सा। सो अब सेक ली मैंने धूप, अब जा रहा हूँ अपने रूम में, रूम की सफाई करने। यार देखो यार मुझे भी सफाई करनी आती है, अब मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है। सो सफाई करने के बाद फिर देखता हूँ फिर और क्या करना पड़ेगा, वो काम निपटाऊंगा। बस यार यही है मेरा रूटीन, और खास तो कुछ नहीं है। सक्सेस कर दिया है, सब कुछ ठीक। अब सोच रहे होंगे कि झाड़ू क्यों नहीं मारा। देखो यार मैं ना बातें मतलब कि यार फ्रैंक होकर करता हूँ, ये नहीं कि शर्म। हाँ झाड़ू इसलिए नहीं मारा क्योंकि यार ये एक तो बड़ा रूम है, परसों यहाँ पे सफाई करवाई थी मैंने, सो अब ज़रूरत नहीं थी। तो कुछ कपड़े यहाँ पे थे तो वहीं मैंने टांग दिए, और बिस्तर मैंने सीधा किया। बाकी तो ये काम भी हो चुका है यार, मुझे नहीं पता कि ब्लॉग कैसा बन रहा होगा, बट यार हाँ जो मेरी लाइफ में होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। देखो अब आपके दिमाग में और एक सवाल आया होगा कि दोपहर में खाना क्यों नहीं खाते हो। देखो यार एक तो मुझे आदत नहीं है दोपहर में खाना खाने की, दूसरी बात मैं उठता तो लेट हूँ, लगभग 11-12 बजे, सो खाना नहीं बना पाता हूँ। अब दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि अगर कुक है तो तुम्हें क्यों ये सब करना पड़ता है। देखो भाई मेरा क्या है कि मेरा एक सिंपल है, समझाता हूँ। मान लिया चलो कुक है, वही सब कुछ बना के देगा। देखो यार मुझे हो गए हॉस्टल में लगभग 10 साल, पहली बात तो ये, अब मतलब कि मैं सीनियर हूँ तो मुझे ये नहीं ठीक लगता है जो मेरा कुक है, मैं उनको कुक नहीं बोलना चाहता हूँ, एक तरह से वो मेरे यार फादर है क्योंकि उन्होंने मुझे वैसे पाला है, मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। तो बात ये है कि मैं तो चाहता नहीं अब वो ये सब करें, क्योंकि जो मेरा कुक है उनकी एज भी थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे एज से ऊपर कोई मेरे लिए ये सब करे, मैं ये समझता ही नहीं हूँ। बट हाँ देखो अगर बहुत से स्टूडेंट्स होंगे मेरे बगैर तो मैं बोल सकता हूँ हाँ कुक है यार इनका हक है, बट मैं एक हूँ यार मैं नहीं समझता ये सब। तो हाँ यही वजह है मैं दोपहर में खाना इसीलिए नहीं खाता हूँ, एक तो लेट उठता हूँ, दूसरी बात मेरा कुक जो है वो भी दोपहर में खाता ही नहीं है, तो मैं फिर बोलता हूँ यार एक बंदे के लिए क्या खाना पकाना है या बनाना है। सो चाय लगा दी मैंने हीटर पे, अबे यार कैमरा की प्रॉब्लम है, चाय ये रही हीटर पे, अभी दूध ही है इसमें डालूंगा अभी लिप्टन चाय। तो लिप्टन चाय डालने के बाद यार देखा अब कुक भी बन चुका हूँ, शेफ शेफ। लिप्टन चाय डालने के बाद इसको भी वही सेम
तैयार करके उसमें चीनी वगैरह डाल के और पी लूंगा। सिंपल। यार सच बताऊं तो व्लॉग करने के चक्कर में आज चाय भी अच्छी हो गई। सो चीयर्स, पीता हूँ मैं चाय, फिर मिलता हूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो चाय पी के अब आया हूँ अपने रूम में, कुछ फोन पे यूट्यूब वगैरह देखूंगा और उसके बाद अगर नींद आई तो सो जाऊंगा। वैसे यार इतने लेट उठा, अब सोने की बात कर रहा हूँ। फिलहाल तो मेरा यही है सब कुछ। 2 hours later. अभी बज रहे हैं 3:02। तो आई वॉज वॉचिंग यूट्यूब, बाकी मैं थका नहीं हूँ बट मैंने सोचा कि अब आराम कर लूँ। तो फिर उसके बाद 5 बजे तक तो मैं सो ही जाऊँगा, उसके बाद उठूँगा फिर से वही रूटीन, नमकीन चाय। नमकीन चाय बनाने के बाद बनाऊँगा खाना, खाना बनाने के बाद, हाँ खाना बनाने के बाद तो कुछ नहीं रहा, खाना बनाने के बाद खाऊँगा। मैं खाता हूँ 8:30 बजे, तो 9 बजे तक ऐसे ही होता है, चलता है, खाना खाते हैं और फिर सोता हूँ मैं 12 या 1 बजे रात के। पता है टाइम थोड़ा गलत है बट यार क्या करें, नींद नहीं आती है। जिसको भी ये व्लॉग पसंद आया होगा, देखो यार मैंने कोशिश की अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आपको दिखाने की। अगर व्लॉग पसंद आया हो, ये हॉस्टल लाइफ का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जिसने भी नहीं देखा है वो देखो, उसमें पूरा बताया मैंने कि मैं कपड़े कैसे धोता हूँ। लीव इट। तो जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा वो पहले वो देखें, उसके बाद ये देखो। तो चलो मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।